नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर अब छत्तीसगढ़ के गंडई से। छत्तीसगढ़ के गंडई में पार्षद और अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे देने का मामला अब तूल पकड़ गया है। मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस दौरान पार्षदों ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। पार्षदों व अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी अनदेखी हो रही है। आज पार्षदों और अन्य लोगों द्वारा रोष स्वरूप पुतला भी दहन किया गया। पुतला दहन का कारण खेरागढ़ विधायक देवव्रत द्वारा जिला युवा कांग्रेस महासचिव व पार्षद से फोन पर अभद्र बात करना बताया जा रहा है, जिसके चलते जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सभी ब्लॉक मुख्यालय में पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि 26 सितंबर यानी कि बीती 26 सितंबर को नगर पंचायत गंडई के 6 कांग्रेसी पार्षदों सहित ब्लॉक अध्यक्ष गंडई, विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव पहुंचकर जिला महामंत्री पंकज बाधव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नाम पर सौंपा गया था। इस्तीफा देने वाले कांग्रेसी पार्षदों सहित पदाधिकारियों ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया था। अब युवा कांग्रेस द्वारा गंडई मेन चौक स्थित जिले भर में विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन किया गया। इसके अलावा वहीं पार्षदों सहित कई पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा देने पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीसीसी के महामंत्री एवं राजनंद गांव जिला प्रभारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में टीम का अपगठन कर दिया गया। टीम द्वारा रेस्ट हाउस गंडई पहुंचकर इस्तीफा देने वाले सभी 6 पार्षदों सहित 3 संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा भी की गई। सभी से प्रतिवेदन लिखित में लेकर संगठन के ऊपर भेजने की बात कही गई। बैठक में नाराज पार्षदों ने जांच टीम के सामने अपनी बात भी रखी। जांच समिति के नेतृत्वकर्ता पंकज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सदस्य से चर्चा हुई है, जो कांग्रेस पार्टी की योजना का विरोध करता है तो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं है। इस्तीफों को लेकर सभी कांग्रेसियों से चर्चा हुई है। जांच समिति द्वारा सारी बातों को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के समक्ष रखा जाएगा। मांगलिक भवन के बनने की बात है तो वह शासन तय करेगा, यह संगठन का विषय नहीं है। गंडई के मांगलिक भवन का विधिवत प्रस्ताव हुआ है, राज्य शासन से विधिवत स्वीकृत हुआ है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्षदों द्वारा विरोध हुआ जो सही नहीं है। गंडई से आज गंडई रेस्ट हाउस में आप जांच समिति के अध्यक्ष बना के भेजे गए। 5 लोगों की समिति ये बनाई गई है, क्योंकि युवा कांग्रेस द्वारा और पार्षदों द्वारा देवव्रत सिंह जो खैरागढ़ के विधायक हैं उनको लेके लोगों ने इस्तीफा दिया और ये मामला काफ़ी मीडिया में भी उछला है, जिसके निगरानी आज आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ इस मामले में? देखिए, आज महामंत्री बनने के बाद पहली बार गंडई आने का अवसर प्राप्त हुआ है और कुछ बातें थी हमारे साथियों के मन में, कुछ पीड़ाएं थी, उसकी चर्चा और परिवार के अंदर की बात को हम लोग करने आए हैं। मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे। कुछ समय पहले भावावेश में आकर हमारे आदरणीय पार्षद ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कुछ चर्चा मीडिया से की थी, आज उस सब बातों पर पटाक्षेप हो गया है और हमारी परिवार के अंदर विस्तृत रूप से बात हुई है, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और हम एक सब इस बात पर सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारा मात्र संगठन है, हम सब उसके साथ हैं। सारे पार्षद, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हम सब पार्टी के साथ इष्टवान रूप से हमेशा रहेंगे और आगे भी हमेशा रहेंगे। ये विरोध क्यों होता रहता है बार बार? गोवर्धन योजना शासन द्वारा की गई, माननीय भूपेश बघेल जी ने किया, जिसका इसी नगर के अंदर कांग्रेसियों ने विरोध किया था। रोका छेका कार्यक्रम शासन का था, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन थी, उसका भी विरोध आपके कांग्रेसी द्वारा किया गया। देखिए, अगर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति इस बात, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं रोका छेका और गोधन योजना का विरोध करता है तो मैं नहीं मानता कि वो कांग्रेस का सदस्य है। सर, ये मीडिया में भी आया है। देखिए, अगर ऐसा कोई हो न्यूज़ में, ज्ञान में माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, अगर ऐसी कोई भी बात हम लोग के सामने आएगी तो तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिस विधायक को आज कांग्रेसी ना कहा जा रहा है, वही विधायक कांग्रेस के पक्ष में नगर पंचायत के चुनाव में पार्षदों के लिए वोट मांगने गली गली गया है, उस टाइम वो जोगी कांग्रेस का नहीं था क्या? या अंदरूनी उसने जो सहयोग किया कांग्रेस के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए, क्या उस टाइम पे वो जोगी कांग्रेस के नहीं थे क्या? कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर अगर कोई कांग्रेस का सहयोग करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ तक आज का जो विषय है, हमारे पार्टी का आंतरिक मामला था
और हम लोगों ने सारे साथियों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है और अब जो भी बातें हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोग हमारी कमेटी लेके आएगी और जो भी निर्देश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। सर अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए निष्कर्ष और परामर्श, अभी तो परामर्श हुआ है, हम लोगों ने चर्चा की है और हम सब सारे हमारे साथी इस बात पर सहमत हैं कि हम जो भी बात करेंगे पार्टी के फोरम पे करेंगे, पार्टी के स्तर पे करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष हम अपनी बातों को, अपनी जो चर्चा हुई है उसको उन तक ले जाएंगे और जो भी निष्कर्ष निकलना होगा हमारा निष्कर्ष पार्टी के स्तर पर। इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, इस्तीफा आप हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय पार्षदों ने उसको अपनी बात को वापस भी ले लिया है और हम सब इस बात अच्छा जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने अपनी बातों को, अपने इस्तीफा को वापस लिया है, बातों को हमारी कमेटी के समक्ष उन्होंने अपनी बातों अपनी 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 भावनाओं को हमारे सबके सामने अवगत कराया है और उसके बाद हमारी चर्चा के बाद हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हम अब जो भी बात करेंगे पार्टी के इस्तीफा को मंजूर नहीं किया जा रहा है, ये बोलिए सीधा। इस्तीफा मंजूर करने विमर्श के लिए रखा गया है, अभी उसका निराकरण नहीं हुआ है। देखिए इस्तीफा स्वीकृत करने की तो बात ही नहीं उठती है, बातचीत करने के बाद हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हम जो भी बात करेंगे पार्टी के फोरम पे करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलना है पार्टी के फोरम पे बात करेंगे। सर नाम और पद बताएं। सर मैं पंकज शर्मा हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव। सर एक क्वेश्चन और था कि जिन मामलों को लेकर 6 पार्षद और 3 प्रकोष्ठ के अध्यक्षों ने आज गंडई चौक में खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह जी के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा पुतला दहन किया गया जी, ये पुतला दहन करने की वजह क्या थी? जिस तरीके से कल खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह जी के द्वारा हमारे जिला युवा कांग्रेस के महामंत्री और वार्ड क्रमांक 15 नगर पंचायत गंडई के पार्षद दिलीप ओगरे को फोन के माध्यम से अभद्र बात किया गया, उसके विरोध में जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस के हर ब्लॉक मुख्यालय में युवा कांग्रेस देवव्रत सिंह जी का पुतला दहन कर रही है और ऐसे हर दमन के खिलाफ युवा कांग्रेस पिछले 15 सालों से आवाज़ उठाती आ रही है और अब जब हम सरकार में हैं तो ऐसे जोगी कांग्रेस के विधायकों का ऐसे प्रलोभन और दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर जगह उनका विरोध करेंगे। क्या कांग्रेस के पार्षद लोग या युवा कांग्रेस के कुछ लोगों ने कल जिला अध्यक्ष के पास जाकर जिला महामंत्री को इस्तीफा भी दिया? जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत दुबे जी और हमारे 6 पार्षद, मैं विधानसभा का अध्यक्ष और ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम बघेल द्वारा कल जिला कांग्रेस में 9 लोगों का इस्तीफा दिया है जिसको मंजूर नहीं करी है, पार्टी विचार करने की बात कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी जी से मेरी बात हुई है कल रात में, लोग गंभीरता से विषय को लेकर ऊपर बात कर रहे हैं। क्या विधायक का जो अभद्र व्यवहार किया गया जी, क्या इसी के कारण आप लोग ने इस्तीफा दिया है? अभद्र व्यवहार और हर मामले में हस्तक्षेप, पार्षदों के मामले में विधायक का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना नाम और मोहसिन खान, अध्यक्ष युवा कांग्रेस खैरागढ़ विधानसभा जी। ये आपके खिलाफ काफ़ी युवा कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 6 कांग्रेसियों ने जाके वहाँ पे युवा कांग्रेस वालों ने, पार्षदों ने इस्तीफा दिया जिला अध्यक्ष को और आज गंडई में आपका पुतला दहन किए हैं, नारेबाजी किए हैं, इसकी खास वजह क्या हो सकती है? देखिए मेरे लिए तो ये बड़ा आश्चर्य और एक खास का विषय है कि कुछ लोगों ने, कुछ कांग्रेस के लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं कि कई स्थानों पर मेरा पुतला जलाया जा रहा है और गंडई के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मैं पहले सबसे पहले तो आपके माध्यम से गंडई के पार्षदों से निवेदन करना चाहूँगा कि पार्षद एक ऐसा पद होता है जो जिस पद पे हम अपनी उसी गरिमा को बना के रखे रहें और पार्षद के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे तो लगता है कि उनको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। पार्टी से इस्तीफा दिया तो पार्टी से उनकी पहचान है और पार्टी उनको नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, मेरे को अधिकार नहीं बनता बोलने का। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि गंडई के लोगों का जिन्होंने प्रेस के माध्यम से मुझे दोबारा याद दिलाया कि मैं योगी कांग्रेस के विधायक हूँ, संवैधानिक रूप से मैं योगी कांग्रेस में हूँ, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं भोलाराम साहू जी को लोकसभा सदस्य में मैंने समर्थन दिया था चुनाव में, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मेरी भी इच्छा है, तो मैं चाहता था कि कांग्रेस जीते, तो मैंने उस दिन भी समर्थन दिया था और
भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव में गंडई नगर पंचायत की जो पार्षद आज विरोध करते घूम रहे हैं, इनके लिए घर घर जाके मैंने वोट मांगा था गंडई के विकास के लिए, गंडई में काम करने के लिए। तो उस दिन भी मैं जोगी कांग्रेस का ही विधायक था, लेकिन खुल के समर्थ किया था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कोई एक नेता हैं थे, अब नहीं है नेता, उनके निर्देश पे लोग राजनीतिक कारणों से सब कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश में किसान जल रहा है, किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कैसे होगी, छत्तीसगढ़ का धान बाहर कैसे जाएगा, किसान पूरे देश में किसान की अंतरात्मा रो रही है। इतने खतरनाक दो विधेयक इस देश में ये मोदी जी की सरकार लेके आई है, जिससे किसान नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। एक तो कोरोना और कोविड के चलते ही इतनी तकलीफ है, और ऐसे समय में जब मोदी जी के किसान के विधेयक जो आए हैं उनका जब पुतला जलाना चाहिए, तो भाई लोग मेरा पुतला जला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे नेता बनाने के लिए आज, और जगह जगह पुतला जा रहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो सोच है किसान के लिए है, और इतनी बड़ी योजना गोधन न्याय योजना जब लागू की गंडई में, तो इन पार्षदों ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम के, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का उन्होंने खुलेआम बहिष्कार किया, तब कांग्रेस के संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी घटना, मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम रोका छेका का कार्यक्रम, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक भूपेश बघेल जी की सोच थी कि किसान मजबूत तब होगा जब हम अपने पशुधन को, जानवर को सहेज के सकेल के एक जगह रोक कर पौधान तक पहुँचा देंगे। और वो कार्यक्रम जब गंडई में गंडई नगर पंचायत द्वारा शासन के नियमों जब तहत गया, तब भी इन कांग्रेस के पार्षदों ने उसका भी विरोध किया। इसके पहले प्रभारी मंत्री जी जब गौठान को उद्घाटन में गए थे मानपुर, तब भी ये लोग नहीं गए, तब भी उन्होंने बहिष्कार किया। और अभी जिस दिन की ये घटना है, मैं पिछले 4 महीने से मौन रूप से बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब समुदाय भवन को लेकर दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 14 में स्वीकृत हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार बन गई कांग्रेस की, माननीय शिव डेरे जी के नेतृत्व में एक नई बड़ी वृहद योजना आई कि नगर पालिका क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में एक बड़ा सामुदायिक भवन बना जाए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सामुदायिक भवन 75 लाख रुपये की मेरे कार्यकाल में गंडे में। हम लोगों ने देखा है कि जो जगह वार्ड क्रमांक 14 में छोटी पड़ रही है, मात्र 60 फुट की चौड़ाई है, इसमें लगभग 150 फुट की चौड़ाई का भवन बनना है, 25 के वे का ट्रांसफार्मर लगना है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, और पीछे निजी ज़मीन थी जहाँ की विस्तार नहीं हो सकता, वृक्षों का विस्तार करना चाहे, गार्डन बनाना चाहे, कुछ करना चाहे। ऐसे में हम लोगों ने, अधिकारियों ने मिलकर, और हमारे गंडई के माननीय जमींदार साहब जो कि सबके लिए कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं लेकिन हम सबके लिए बड़े आदरणीय हैं, उन्होंने ये विचार रखा कि उनके पूर्वजों ने जो एक बहुत बड़ी ज़मीन जो रानी बगीचा के नाम से दान से रखी, वो खाली पड़ी हुई थी, और वो शहर के मध्य में लगभग 10 से 11 वार्ड को वहाँ पर उसकी सुविधा मिलती है, वहाँ पर 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन खाली है, वहाँ पर एक भव्य रूप से एक 75 लाख की बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, गार्डन बनाया जाए, स्विमिंग पूल बनाया जाए। हमने पूरी कार्ययोजना बनाई, और कार्ययोजना बना के जब नगर पंचायत के सामने रखा, नगर पंचायत के सामान्य सभा में स्वयं तारकेश्वर कुशरजी उपस्थित थे, और सब लोगों के बीच में पूरी जन सम्मान और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ पर एक सामुदायिक भवन स्वीकृत किया गया, और वहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए, अच्छा है, काफ़ी विरोध आपका नाम का हो रहा है, और चूंकि आप तो लोग तो जान रहे हैं कि क्षेत्र के लिए इस बार आप गंडई विधानसभा, खैरागढ़ विधानसभा में जो जुड़ा है, और आपके हिसाब से काफ़ी, हम लोग भी देख रहे हैं भाई, काफ़ी विकास हो रहा है, जो रोडों की मांग थी 25 सालों की 20 सालों की पूरी हुई है। जब नगर पालिका का प्रस्ताव हो गया, राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया, राज्य शासन ने उस स्थल चयन को उचित माना, उसको उन्होंने अनुमोदन करके भेज दिया, कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया अग्रिम अधिपत के लिए, उसकी कार्रवाई पूर्ण हो गई, टेंडर हो गया, एस्टिमेट डिज़ाइन सारे चीज़ बन गए। उसके बाद जब मंत्री को ये लोग गुमराह करने की कोशिश की, मैंने मंत्री जी से भी बात की, मंत्री जी ने कहा कि जो जगह तय होगी वहीं पर बनाया जाएगा, और रानी बगीचा फाइनल हो गया। उसके बाद अनावश्यक रूप से विरोध करना, और उसके बाद फिर कभी मुख्यमंत्री को, कभी ठेकेदार को चमकाना, भड़काना, धमकाना, काम नहीं होगा, नहीं होने देना। तो फिर जब कल सवेरे मुझे पता लगा कि पुनर कांग्रेस के पार्षद लोग बैठक कर रहे हैं,
और बैठक करके फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस्तीफा देने के लिए हमारी नहीं सुनी नहीं जा रहे हैं, तो मुझे दुख हुआ। और तब मैंने फ़ोन करके कहा कि इस तरह के काम विरोध ना करो। खैर कहा सुनी में कुछ बातें मैंने कही, लेकिन मैं पार्षदों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना इस्तीफा वापस दे दो, गंडई के जनभावनाओं का सम्मान करो। और मैंने अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपये इस वर्ष के लिए, 15 लाख रुपये अगले वर्ष के लिए निर्धारित किए हैं। अध्यक्ष रामपाल ताम्रकार जी ने 10 लाख रुपये दिए, 40 लाख की राशि से हम एक भव्य भवन वार्ड क्रमांक 14 में उसी स्थान पर निर्माण करेंगे, जिससे कि वहाँ की लोगों की जनभावनाएँ, और हम तो कहते हैं कि 75 लाख के भवन बनने से पहले इस भवन का निर्माण करके वहाँ पर उनको सौंपेंगे, ताकि जनभावनाओं का सम्मान हो और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, गंडई के विकास में जो नाजायज रूप से दादागिरी करके अगर बाधक बनना चाहेंगे तो उनको मेरे से कड़ी कार्रवाई झेलना पड़ेगा, क्योंकि गंडई के विकास में मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। ये वास्तव है। और एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो राजनीति में जो चखने वालों से, शराब वालों से, मध्य प्रदेश की शराब ला के छत्तीसगढ़ में यहाँ बेचने का काम करते हैं, जो लोग हड़की ब्याज से पैसा वसूल करके कांग्रेस की छवि को रोज नुकसान पहुंचाते हैं, उनको उनके दबाव को मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगा। और ऐसे लोग इस बात को समझ लें कि ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी, और गंडई के विकास में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नाजायज रूप से बाधक आएगा तो मैं तो कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। ओके सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.